जब निकल रहा था वहीं पे मैं शुरू कर दूंगा। मैं जस्ट गेट से निकला और सब मेरे को ऐसा घूम के देखा ये हम बोला ना 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 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कल तो मेरे को बिना हेलमेट के घूमना है, मतलब चलने वक्त कौन हेलमेट पहनेगा। नहीं अपना एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कहीं और जाते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आशा है कि सब लाइफ में मस्ती में होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आ चुका हूँ, वो है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऑन बजट। जिनके पास भी मेरे तरह अभी एक्शन कैमरा अवेलेबल नहीं है बट मोटो व्लॉगिंग करना है, तो ऑन बजट मोबाइल के साथ कैसे मोटो व्लॉगिंग करें, तो यही है आज का मेन टॉपिक। और रहा बात अगर मैं बोलूँ ये चैनल मैंने जो स्टार्ट किया था ये इंस्पिरेशन ही था मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि रॉयल जॉर्डेनियन यूके का, फिर ऑगी एफ दिल्ली डाउन शिफ्टर, फिर इवन मुंबई का निखिल, उनको कौन भूल सकता है, और एवरीडे इंडिया तो सालों हो गए उनको मोटो ब्लॉगिंग छोड़े हुए। इवन इन्फ्लो क्लोन जो पुणे से थे उस टाइम पे वो डैजलर यूज़ करते थे, फिर A200, क्योंकि उनके साथ मेरा आज भी थ्रू इंस्टाग्राम बात होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इन सभी लोगों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ये चैनल स्टार्ट करने का। और अगर आप लोगों में ऐसे सोच रहे हैं कि मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना है बट एक्शन कैमरा नहीं है तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए ये मैं बोलूँगा एक सोच है, ये सोच में मत पड़िए तो चैनल कभी स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैंने क्या था ना, कॉलेज टाइम में मैं बहुत सारा ट्रिप मारा करता था दोस्तों के साथ, और मैं मोटो ब्लॉगिंग करना है, दोस्त लोग करता है, मेरे पास कैमरा नहीं है, इसके चक्कर में क्या हुआ कभी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाया। और अब जाके मैं कैसे भी करके एक चैनल स्टार्ट किया हूँ बट मेरे पास वो मोमेंट्स नहीं है, तो ये सब नहीं है, जो अवेलेबल रिसोर्स है उसी में करना है। तो देखते हैं आज मेरे पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्स है। तो मेरे पास फ़िलहाल ये सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मैं कभी कभार वीडियो जो पोस्ट करता हूँ बाइक चलाते वक्त, तो मैं ये माउंट यूज़ करता हूँ हेलमेट में, इसके साथ आपको ऐसा कुछ मोबाइल होल्डर मिल जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ, ये वन प्लस का 80 है, और वॉइस ओवर के लिए मैं बोया का ये माइक यूज़ करता हूँ। मेरे को पता है उतना अच्छा वॉइस ओवर कभी कभार नहीं होता है, बट क्या करें, जो अवेलेबल रिसोर्स है उसी में करना है। तो मेरे पास ये दो हेलमेट का ऑप्शन है फुल फेस में, एक है ये स्टर्ट का ट्रूपर मॉडल है, और ये दूसरा जो है ये LS2 का शायद नाइट रेसर ऐसा कुछ मॉडल था, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना हेलमेट है, ये पकड़ लीजिए कम से कम 5-6 साल पुराना है। ये अभी उतना मैं रेगुलर टाइम में यूज़ नहीं करता क्योंकि इसका एक वाइज़र तो ख़राब हो चुका है, एक तो एम्बुलेंस से मेरा यहाँ पे पत्थर आकर लगा था तो ये वाइज़र मतलब वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं इसको अभी रेगुलर यूज़ नहीं करता। और ये तो मेरा नया हेलमेट है, तो देखता हूँ किस में ये फिट होगा, फिर सेटअप करके टेस्ट भी कर लूँगा। और ये कन्वर्टर है, मतलब टाइप सी टू 3.5 mm, ये वन प्लस का ओरिजिनल है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ये हेडफोन जैक नहीं आता है, तो अगर आपका फ़ोन पे भी नहीं आता है तो ये देखना है। तो मेन बात है ना कि इसमें ये जो पार्ट है इसको इसके अंदर छुपाना। तो चलिए सेटअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नया वाला हेलमेट में ट्राई करते हैं कि ये फिट होता है कि नहीं, तो अगर सामने आएंगे तो देख पाएंगे कि ये एकदम फ्लैट नहीं बैठ रहा है, ये जो पोर्शन है ना ये बहुत ज़्यादा नुकीला है, जिसके वजह से इसमें अगर मैं बैठाऊँगा तो जितना भी टाइट कर लूँ ये हिलता रहेगा। तो एक बार उस हेलमेट में ट्राई कर लेते हैं, एक बार मैंने कल रात को ट्राई किया था, तो इस हेलमेट में क्या है ना कि ये जगह कम नुकीला है, तो जिसके वजह से अगर मैं इसको बैठाऊंगा तो टाइट बैठेगा उतना, मतलब इसमें भी अगर मैं बोलूँ हल्का हल्का हिलेगा पर उतना ही हिलेगा जितना है, क्योंकि उसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा नुकीला है। तो चलिए फिर इसी हेलमेट में हम लोग सेटअप कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको पहले मैं लगा लेता हूँ। तो ये कुछ सेटअप हो चुका है, कुछ इस तरह आपको देखने को लगेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अगर मैं आपको हिला के दिखाऊं तो देखिए हिल नहीं रहा है उतना, मतलब ऑलमोस्ट टाइट ही है। और इससे पहले भी मैंने इस तरह लगाया है तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि ये एकदम स्टेबल रहने वाला है, मोबाइल गिरने का चांसेस नहीं है, मतलब ये खुलने का चांसेस नहीं है मेरी। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह लॉक करने के बाद आपस में गांठ मार दिया इधर पे, गांठ मारने के चक्कर में अगर बाई चांस हल्का से भी ढीला होगा तो ये गिरने का चांसेस या पूरा पूरी खुलने का चांसेस नहीं रहेगा। तो चलिए
अभी पहले माइक का सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक पीओवी भी दे दूंगा। तो जो मेन डिफिकल्ट काम था जो था वायर मैनेजमेंट माइक का, इसका अंदर का जो खौफनाक मंजर है उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेन अरे बुआ के साथ मेनली किया ना कि 4-5 मीटर लंबा तार आता है, अब वो तार को छुपाना मेन बात है, तो पहले इसके अंदर छुपा दिया। और ये जो वाला पोर्शन था जिससे हम कैमरा और स्मार्टफोन के बीच में स्विच कर सकते हैं, इसको पहले मैं अंदर रखा था इधर पे, तो वो गर्दन में लग रहा था, तो मैंने इसको बाहर लगा दिया डबल साइड टेप से। और ये 3M का टेप है जिससे गाड़ी का वो बम्पर चिपकता है, तो खुलने का चांसेस नहीं रहेगा। अच्छा बाय द वे मैं बोलता रहा हूँ, ये कोई भी एंगल से वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, बट अगर आप लोग बारिश में अगर ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका कोई गारंटी हम नहीं ले सकता है। तो हम ऐसे ही नॉर्मली सिटी कम्यूटिंग या जिस दिन बारिश नहीं होगा उस दिन के हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूँ इसको। और ये वाला मैंने लगा दिया कन्वर्टर जो मेरा मोबाइल के साथ यहाँ लग जाएगा, तो इसमें उतना कोई झमेला नहीं है। ये है कैमरा, ये कुछ एंगल में मेरा सेट करके रखा है, ये आपको मिल जाएगा, ये और ये साथ में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल रहेगा अगर आप लोग मोबाइल माउंट फॉर हेलमेट बोले तो। तो ये क्लिप है जो इसके अंदर से पास हो जाएगा और ये लग जाएगा, बस आसानी है, खोलने में भी कोई झमेला नहीं है। ये साइड ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दबाएंगे तो निकल आएगा ऐसे। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बेसिक चीज़ ये है। तो चलिए मैं एक बार आपको एक टेस्ट पीओवी दे देता हूँ। तो मोटा मोटी ऐसा कुछ आपका रहने वाला है पूरा सेटअप, ठीक है। फिनिशिंग का उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये ऑन बजट है ये, और कैमरा की क्वालिटी अगर बोलूँ किस तरह आएगा, जितना महंगा फ़ोन होगा ऑनेस्टली बोलने से उस तरह आएगा। मैं बाद में GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा में स्विच कर जाऊँगा, ये तो टेम्पररी सेटअप के लिए ऑन बजट ये तो मेरे को लगा बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए मैं एक बार आपको पीओवी दे देता हूँ। दोस्तों ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से हो रहा है, ये एक पीओवी टेस्ट क्लिप है। एक आपको थोड़ा सांस करने का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि ये तो जस्ट एक टेस्ट के लिए ना, जैसे देखिए। तो मेन बात है कि जब अगर आप लोग एडिट करते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं ऑडासिटी, उसमें क्या ना ब्लॉग में बात करने से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ओवरलैप दीजिए 10-15 सेकेंड का, फिर ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद वापस 10-15 सेकंड का दीजिए ओवरलैप, फिर ब्लॉग को पूरा पूरी ख़त्म कर दीजिए, मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। वो जो आप ओवरलैप दिए ना, तो ऑडासिटी में क्या है ना, इसका नॉइस रिडक्शन का एक इफेक्ट है, उसको सिलेक्ट करके रिड्यूस एनवायरनमेंट नॉइस कर दीजिए, तो जो सांस लेने का आवाज़ रहेगा वो पूरा हट जाएगा पूरा ऑडियो मतलब वीडियो क्लिप से। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए बाइक निकलते हैं, निकाल के एक दे देता हूँ कि ओवरऑल कैसा हो रहा है एक्सपीरियंस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों ये जो छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है ऑन द फ्लाई वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है माइक पे, जो सेटअप मैंने शुरू किया था, पूरा सा मैंने चेंजेस किया है। वो है कि पहले आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो सुबह में दिखाया था उसमें क्या था कि मेरा जो कैमरा था वो हेलमेट के लेवल पे था, ऊपर की तरफ मैंने क्या उसको उल्टा कर दिया है और चेस्ट के लेवल पे लेके आ गया, क्योंकि उससे क्या रहा था ना कि बाइक का जो डैश है मतलब सामने वाला पोर्शन है वो नहीं आ रहा था। तो जस्ट यही चेंज है, नहीं तो ऑन द फ्लाई रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक टेस्ट व्यू ही है। पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सेटअप में दो प्रॉब्लम है। एक मेजर अगर प्रॉब्लम मैं बताऊं तो अगर आपका फ़ोन आता है तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तुरंत, तो बेटर है कि अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन है तो उससे आप रिकॉर्ड कीजिए, और अगर प्राइमरी फ़ोन है लोकली है जैसे मैं अभी घर के अगल बगल में हूँ तो आप फ्लाइट मोड में कीजिए ताकि फ़ोन या मैसेज आने पर रिकॉर्डिंग बंद ना हो, और अगर दूर पर हैं तो बेटर है कि आप
सेकेंडरी फोन कीजिए, यूज़ कीजिए। और दूसरा जो है वो माइनर इशू है, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लगेगा, वो है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही घूर घूर के देखेंगे। मतलब क्या ना कि स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, घर से निकलते वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया था, ठीक है कि चलो निकलते हैं। और बट मैं जब घर से निकला तो उल्टा तरफ जो पड़ोसी है वो मेरे को ऐसे घूम के देखा कि मेरे को बहुत शर्म लग गया, ठीक है। और ऊपर से सिग्नल पे रुक रहा हूँ तो सब घूम के मेरे को देख रहा है, तो ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं राइट की तरफ में टर्न नहीं ले सकता, बट मेरे बगल में एक इंडिका V2 खड़ा रेड कलर में, उसका ड्राइवर मेरे को घूरे जा रहा है, थोड़ा ये शर्म लग रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है, भाई सिग्नल खोल ले, भाई निकल ले। बहुत जल्द मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें मेरा गाड़ी जो है ग्रैंडेट है न्यू स्पोर्ट्स मॉडल, और मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरा मुलाकात हुआ था, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, वाया यूट्यूब से उनके साथ मुलाकात हुआ, तो उनके पास है मैग्ना वेरिएंट। तो बहुत जल्द इन दोनों गाड़ी का और ओनरशिप का मैं कंपेरिजन लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा अगर मेरा गाड़ी का ओनरशिप दूँ तो वो थोड़ा बहुत बायस्ड हो जाएगा, तो एक और ओनर साथ में उसके पास एक और वेरिएंट जो दूसरा है जैसे मैग्ना, क्योंकि i20 में मैग्ना और स्पोर्ट्स ही है हाईएस्ट सेलिंग वेरिएंट, तो उसका एक कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द, तो स्टेट न्यूज। और अगर बोलूँ तो मैं आज ब्लॉग में यही खत्म कर रहा हूँ कि अगर टेस्ट वीडियो था एक सेटअप के ऊपर कि 1 बजे तक कैसे मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एक्शन के कैमरा अगर नहीं है तो आप फर्दर, अगर आपका मन में है कि आप फ्यूचर में ट्रैवल वीडियो करेंगे, ब्लॉग करेंगे, मोटो ब्लॉग करेंगे, तो बेटर है कि आप एक्शन कैमरा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो वाटरप्रूफ के एक एडवांटेज रहता है वाटरप्रूफ रहने का। बट टेम्पररी के लिए जब तक चैनल ग्रो नहीं करता तब तक के लिए ये सेटअप भी ख़राब नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नया ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल अगर अच्छा लगा आप लोग को, तो शेयर कीजिए।